नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष, केशव दास जी प्रथम अध्याय अपने चल रहा था, व्याख्या चल रही थी, तो कवि केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव की व्याख्या में अपन ने इससे पूर्व वाली कक्षा में पंचवटी वर्णन पढ़ लिया था। अब इसके आगे कवि केशवदास जी का हनुमान लंका गमन, ये जो पद्यांश है केशव के ग्रंथ रामचंद्र चंद्रिका से उद्धृत है, यानी हनुमान लंका गमन में किस प्रकार केशवदास जी हनुमान जी की व्याख्या करते हुए उन्हें उपमानित करते हुए बता रहे हैं। बहुत ही बड़ा चढ़ा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, और अतिशयोक्ति तो क्या कहे, वास्तव में हनुमान जी थे भी ऐसे ही। कि हरि केशो वाहन की विधि केशो हेम हंस, लीक से लिखत नब पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, गिरी गज गंड ते उडान्यो शुभ रन आली सीतापद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी केशो दास आसमान में कमान केशो गोलो हनुमान चल्यो लंक को। यहाँ कवि केशव दास जी ने, आचार्य केशव दास जी ने हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका पुरी में जाते हैं, उस समय जब वो समुद्र को पार करके जाते हैं तो उपमान से यहाँ केशवदास जी बता रहे हैं कि हनुमान जी किस प्रकार समुद्र को पार करते हुए जाते हैं और उनकी गति किस प्रकार होती है। तो यहाँ कवि केशवदास जी कह रहे हरि केशो वाहन की, हरि का अर्थ यहाँ भगवान विष्णु लेंगे अपन, क्योंकि हरी हरी में अंतर, अगर इसी हरी में बड़ी की मात्रा होती तो रंग वर्ण के लिए हो जाता, यहाँ हरी भगवान विष्णु के लिए। हरी केशो वाहन यानी भगवान विष्णु का वाहन जो गरुड़ होता है, कि विधि केशो हेम हंस, विधि का अर्थ ब्रह्मा, यहाँ विधि शब्द से तात्पर्य ब्रह्मा जी लेंगे हम। हेम हंस, हेम का अर्थ होता है सोना, गोल्ड स्वर्ण, हेम का अर्थ सोना। हेम का अर्थ स्वर्ण लेते अपन, लीक मतलब लाइन, सी उपमा, सा से सी आ जाए तो उपमा अलंकार होता है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पहली पंक्ति में उपमा अलंकार है। नभ पाहन के अंक को, नभ से तात्पर्य आकाश, आकाश या गगन कह सकते हैं अपन, पान का अर्थ पत्थर, देखिए पहली लाइन में कवि केशवदास जी हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं कि जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो उस समय हनुमान जी की गति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के समान है, और मानो हनुमान जी लंका गमन कर रहे हैं वो ब्रह्मा के राजहंस के ऊपर सोने की लाइन के समान, मानो वो सवारी करते हुए लिखते हुए आकाश में, आकाश रूपी पत्थर में वो सीधे जा रहे हैं। तेज को निधान, निधान का अर्थ होता भंडार या खजाना, निधान का अर्थ आप खजाना भी ले सकते हो, भंडार भी ले सकते हो। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान,
केंदो लक्ष्मण, केंदो मतलब कैसे, लक्ष्मण को बाण छूटे रावण निशंक को। अब आगे द्वितीय लाइन में कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति भावना करने वाले हनुमान जी तेज के निदान यानी तेज पुंज, उनमें शौर्य वीरता सब कुछ उनमें भरा हुआ है, संयम सब उनमें भरा हुआ है। राम मुद्रिका विमान जो प्रभु श्री राम के लिए, उनके कार्य के लिए जो माता सीता की खोज करने हनुमान जी जा रहे हैं, जब वो श्री राम से मुद्रिका लेके जाते तो उनके हाथ में जो मुद्रिका है उस मुद्रिका को ही मानो उन्होंने विमान बना लिया है और वो उसी गति से जा रहे हैं जिस प्रकार अहंकारी रावण को मारने के लिए लक्ष्मण का बाण मानो छूटा हो, उसी गति से हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। गिरी गज गंड ते उड़ान्यो शुभ रन आली, आली का अर्थ होता भावरा, अली कहो या अली कहो बात एक ही है। इसी में ध्यान रखना आपको, अगर ये अली आ जाए तो इसका अर्थ सखी हो जाता है। शब्द युग में का है। आगे केशवदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी उसी प्रकार माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं जिस प्रकार मानो हाथियों के झुंड के समान जो भौंरे होते हैं वो पद पंकज यानी सीता के चरण रूपी कमलों का पान करने के लिए, उन चरणों में स्थान पाने के लिए जिस प्रकार कमल के पास भौंरे जाते उसी प्रकार माता सीता के पास हनुमान जी उनके चरणों में संदेश लेके जा रहे हैं। हवाई सी छूटी केसो दास आसमान में कमान केसो गोला हनुमान चलियो लंक को। और हनुमान जी जो आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे तो वो मानो हवाई के समान केशवदास जी आसमान में मानो आतिशबाजी होती है। केशवदास जी बता रहे हैं कि आतिशबाजी के समान हनुमान जी आकाश में राक्षसों का वध करते हुए लंका की ओर जा रहे हैं। यहाँ हनुमान लंका गमन में उपमा अनुप्रास उत्प्रेक्षा आदि अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है क्योंकि पाहन तद्भव शब्द है, इसी का तत्सम रूप पत्तर हो जाता है। आगे देखिए अगला पेरा, नवा पेरा आपके है सीता दर्शन। किस प्रकार हनुमान जी लंका में पहुंचने के बाद माता सीता के दर्शन करते हैं और सीता की जो स्थिति है उसको यहाँ केशवदास जी हनुमान जी के माध्यम से बता रहे हैं। धरे एक बेनी मिली मेल सारी मृणाली मनो पंक ते काडी डारी। बेनी का अर्थ होता है चोटी, बेनी का अर्थ चोटी, मृणाली इसका अर्थ होता है कमलिनी, पंख कीचड़। सदा राम नाम रहे दीन बानी चाऊ और राक्षसी दुख दानी। राक्षसी का मतलब राक्षसनिया, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंता नी मानो केंदो जीव दंतावली में बखान। अब यहाँ माता सीता की स्थिति जो हनुमान जी वहाँ जाके देखते हैं किस प्रकार सीता की स्थिति
हनुमान जी वहाँ लंका में सीता का पता लगाने के बाद जब सीता की छवि देखते हैं तो यहाँ केशवदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी। यहाँ माता सीता के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि माता सीता ने एक चोटी बना रखी है क्योंकि बाल भी बिखरे हुए थे और एक मेली साड़ी धारण कर रखी है, और मानो उस समय सीता की स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार मानो कमलिनी यानी कमल के फूल को मानो सरोवर से निकाल के बाहर फेंक दिया हो, और जिस प्रकार कमल मुरझा जाता है उसी प्रकार सीता की दयनीय स्थिति हनुमान जी देख रहे हैं। सदा राम नाम ररे, ररे का मतलब रटना, सदा राम नाम ररे। ररे का मतलब होता है रटना, और माता सीता सदैव प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करती रहती है दीन वाणी यानी बहुत ही दीन भाव में। चहुं ओर राक्षसी दुखदानी, और मानो जो हनुमान जी देखते हैं वो चारों तरफ सीता के राक्षसनियों का पैरा रावण ने लगा रखा है। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंता नहीं मानो, और मानो उन राक्षसनियों के पैरे से सीता की बुद्धि भी मानो ग्रसित हो रखी है, बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। मानो सीता की बुद्धि उसी प्रकार काम नहीं कर रही है जिस प्रकार किंदो जीव दंतावली में बखानो, जिस प्रकार दांतों के मध्य जीभ आने के बाद वो इधर उधर नहीं हो सकती है, उसी प्रकार सीता के चारों ओर राक्षसनियों के पैरे के कारण माता सीता की बुद्धि भी क्षीण हो चुकी है। यहाँ सीता दर्शन में कवि केशवदास जी ने सीता की स्थिति का वर्णन किया। अगला पैरा है सीता हनुमान संवाद, किस प्रकार सीता दर्शन के बाद सीता और हनुमान दोनों के संवाद होता है, यानी माता सीता और हनुमान जी का जो संवाद है। उसको केशवदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किया है, और संवाद के तो सम्राट माने जाते हैं केशवदास, क्योंकि संवाद योजना में केशव की सानी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि केशव के संवाद अति प्रिय है। देखिए, कर जोरी कहे हो पौन पुत्र जिए जाननी जानी रघुनाथ दूत, यानी कर का मतलब हाथ होता है, जोरी का मतलब जोड़, पौन पुत्र यानी हनुमान जी, जिए जननी जानी रघुनाथ दूत, रघुनाथ दूत यानी श्री राम के दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंद, दशरथ कौन अजय तने चंद, के ही कारण पटे यह निकेत, निकेत कार्तिया लंका, निज देन लेन संदेश हेत, गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। यानी यहाँ केशवदास जी सीता और हनुमान का जो संवाद है उसका तात्पर्य यह है कि कर जोरी कहो पौन पुत्र, जब सीता के पास हनुमान जी चले जाते हैं तो वो हाथ जोड़ के माता सीता के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं, जिए जननी जानी रघुनाथ दूत, और वो माता सीता से कहते हैं कि हे माते सीते आप मुझे प्रभु श्री राम का दूत जानिए। यानी जब हनुमान जी सीता के सम्मुख जाते हैं तो सीता कहती है कि आप कौन हो, तो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम का रघुनाथ जी का दूत हूँ। रघुनाथ कौन, अब सीता क्योंकि वहाँ राक्षसों की जो नगरी थी वहाँ माया का कोई पार नहीं था, सीता को हर समय भय रहता था कि रावण कोई भी छलावा कर सकता है, तो सीता को वहाँ भी संदेह होता है। तो सीता कहती है हनुमान जी से कि रघुनाथ कौन, तो हनुमान जी कहते हैं दशरथ नंद, यानी हनुमान जी राजा दशरथ के पुत्र है। दशरथ कौन, फिर सीता हनुमान जी से प्रश्न करती है कि दशरथ कौन है, अजय तने चंद कि राजा अजय के पुत्र। कई कारण पटे यह निकेत, फिर माता सीता कहती है कि आप राम दूत रघुनाथ जी के दूत हो,
तो आपको यहाँ किस कारण के लिए भेजा है, पटाए का मतलब भेजना, आपको यहाँ किस कारण भेजा है, कई कारण पटे यह निकेत। पटे का अर्थ होता है भेजना। निकेत, निकेत का अर्थ वैसे सदन या घर होता है, किंतु यहाँ निकेत का अर्थ अपन लंका लेंगे, रावण की नगरी। निज लेन देन संदेश हेत, हेत हेत का अर्थ हेतु, हेतु का मतलब होता है के लिए। यानी फिर सीता हनुमान जी से कहती है कि आपको किस कारण यहाँ रामचंद्र जी ने भेजा है, तो हनुमान जी वापस कहते हैं कि निज देन लेन संदेश है, यानी मुझे आपका पता लगाने के लिए, आपका संदेश लेने के लिए भेजा है और उनका संदेश देके मुझे भेजा है। गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ। और फिर आगे माता सीता कहती है कि आपको प्रभु श्री राम ने भेजा है, तो आप प्रभु श्री राम के उनके गुण, उनके रूप, उनके शील, यानी उनका कैसा स्वभाव है, वो सारी चीज़ें कुछ उनकी मुझे बताओ। कछु रघुपति के लक्षण बताओ, यानी मुझे उनके लक्षण बताओ। यानी यहाँ माता सीता को भ्रम होने के कारण माता सीता बार बार हनुमान जी से प्रश्न करती है। यानी सीता हनुमान संवाद में यहाँ केशवदास जी ने हनुमान जी और सीता के संवाद को कि कर जोरी कहो पौन पुत्र, यानी जब हनुमान जी माता सीता के पास पहुंच जाते हैं तो वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। फिर सीता कहती है कि श्री राम कौन है, तो वो कहती है राजा दशरथ के पुत्र की, दशरथ कौन है, राजा अजय का पुत्र। फिर वो कहती है सीता माता हनुमान जी से कि आपको किस कारण यहाँ भेजा है लंका में, तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे आपका पता लगाने के लिए भेजा और आपका संदेश लेके मैं प्रभु श्री राम को कहूँगा। तो यहाँ माता सीता को हनुमान जी कहते हैं कि संदेश लेने और देने के लिए भेजा है। फिर अंत में माता सीता कहती है कि आप प्रभु श्री राम के गुण रूप स्वभावशील आचरण आदि के कुछ लक्षण बताओ। यहाँ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता आदि निहित है। तो ये आपके आज अपन ने हनुमान लंका गमन, सीता दर्शन, सीता हनुमान संवाद पढ़ा। अगली कक्षा में अपन हनुमान रावण संवाद पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।